अभी मैंने मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हम भाई फिलहाल खोखा गांव में मौजूद हैं, हिसार डिस्ट्रिक्ट का गांव है खोखा, यहां मौजूद हैं। मास्टर सुखविंदर हमारे साथ है, रेखा जी हमारे साथ हैं। मामला में अपने चैनल पर पहली वीडियो इसलिए बताना चाहूँगा, 4-5 रोज से एक वीडियो वायरल हो रही है बहुत सारी, ये श्रीमान जी और रेखा जी इनके बारे में। रेखा जी का जो गांव है वो है डाणी पीरों वाली, हांसी के पास में, हांसी के में ही है बिल्कुल, तो नहर के साथ में। इनका कोई मामला वायरल होया जिसमें भाई वीडियो ये बनाते हैं, अपने कंटेंट बनाते हैं यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हैं। उसके अलावा एक और चीज़ वायरल हुई जिसमें ये खुद शमशानों में दिखाई गई हैं और भसम कुछ जो भी वो शमशान की राख है वो रमा के, उसके बाद गांव वालों के साथ इनका कुछ झगड़ा हुआ, थाने तहसीला भी हुए हैं। ये मामला सोशल मीडिया से ही हमने टोटल जानकारी कलेक्ट करी है, ये मेरी पर्सनल नहीं है, सोशल मीडिया से मैंने जानकारी कलेक्ट करी है। बाकी ये अब साथ बैठे हैं, डायरेक्ट इनसे बात करेंगे तो ये बताऊँगे। नमस्ते जी। नमस्कार मलिक साहब, आपका धन्यवाद। और आप इतनी मतलब रात्रि के समय में आप हमारे घर पहुंचे, आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। और अभिमन्यु मूवीज़ से जितने भी साथी जुड़े हुए हैं, जितने सदस्य हैं, उनसे भी मेरी राम राम। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा भी होगा और जिन्होंने नहीं देखा तो वो अब सुन लो कि ये रेखा महराणा जिसकी वीडियो वायरल कर रखी है कि ये लड़की शमशान घाट में जाके वीडियो बनाती है, तो ऐसा इस लड़की ने कोई गलत नहीं किया। जो इसके गांव वालों ने इसके साथ अभद्र व्यवहार किया, मुझे तो बहुत पिंच हुआ है। लेकिन अब वो आरोप इतने भयंकर लगा रहे हैं जिनका कोई बेबुनियाद सिस्टम है, उनकी कोई पास मतलब कोई क्या कहूँ मैं, कोई भी सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई बात नहीं है। ठीक है, जैसे कि जितने भी कलाकार हैं, कोई इंस्टाग्राम की आईडी के लिए, कोई फेसबुक आईडी के लिए, रील के लिए, कोई खंभों पर चढ़कर वीडियो बनाता है, कोई शमशान घाट में वीडियो बनाता है, कोई रेल के आगे को क्रॉस होते हुए वीडियो बनाता है, तो एक कलाकार का वहाँ पर जाके वीडियो बना ली तो उसका इश्यू बनाना मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है। जैसे उन गांव वालों ने जो कहा है ना, और वीडियो में जो वायरल होया है, ये आप लोग वहाँ एक्टिंग नहीं कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि वहाँ आप लोग एक्टिंग नहीं कर रहे थे, कोई सीरियल शूट नहीं कर रहे थे, कोई वहाँ आप लोग कोई मंत्रों का कुछ कर रहे थे, वशीकरण कुछ इस तरह, ये सुना ना आपने? सुना जी, सुना है। तो ये झूठ है मेरे को, ये आप शमशान में, ये रेखा जी शमशान में गई या नहीं गई? रेखा जी शमशान में गई, उन्होंने वहां मुर्दों की जो भी जली हुई राख होती है वो अपने ऊपर डाली या नहीं डाली? सर जी, आप प्रश्नों को घुमाओ मत, एक बार बात को ध्यान से समझे। इसने सिर्फ रील के लिए वहां वीडियो शूट की थी, और अगर मंत्र जाप करेगा या कोई टोना टोटका करेगा तो कोई भी आदमी उस चीज़ को शेयर नहीं करेगा, सभी को पता है कि ये चीज़ें अलाउ नहीं होती। लेकिन एज ए आर्टिस्ट हम किसी भी प्रकार की वीडियो कहीं भी शूट कर सकते हैं। तो इस यहाँ मैं आपको ना टोकूंगा, आप कहोगे ना फिर मैं तो बगड़ ये बात घुमाने वाला हूँ, आपको शायद सारी ये बात घूमती हुई नज़र आऊँगी, मैं जो आपसे सवाल करने वाला हूँ शायद बुरे भी लगा आपने, पर लागे जाओ मेरा काम है यो। मैं इब आपसे एक बात करना चाहूँगा, अगर आप किसी शमशान घाट में, आप किसी हॉस्पिटल में, आप किसी स्कूल में, आप किसी भी सरकारी जहाँ पे एक पंचायत का या गवर्नमेंट का जिस पे हक होता है, वहाँ जाकर कोई भी वीडियो शूट नहीं कर सकते श्रीमान जी। आप वहाँ जाके अगर वीडियो शूट करोगे, आपने गाँव के गाँव से, गांव के सरपंच से या जो गांव का
जो मुखिया है या प्रशासन से लिखवा के लेके आनी पड़ेगी। आप बस स्टैंड पे भी वीडियो शूट नहीं कर सकते जो कि सार्वजनिक है। आम तौर पे हम कर लेते हैं, प्रशासन उस चीज़ पे ध्यान नहीं देता, लेकिन जो कानूनी तौर की अगर बात करी जाओगी ना, तो आप अगर शमशान घाट पे वीडियो बनाने जाओगे इन द फ्यूचर, आप ये कलाकारी लाइन के बंदे हो तो करते रहोगे, लेकिन भविष्य में अगर आप जाओ जो इस तरह का झगड़ा आप दोबारा से नहीं हो और आपने शूट करना पड़े तो आपने परमिशन लीगली लेनी पड़ेगी। मलिक साहब आपका भी सुझाव अच्छा है, लेकिन जैसे कि जितने भी हरियाणा के कलाकार साथी हैं अपने गाँव में, अगर कुएं का शूट लेना है, शमशान घाट का शूट लेना है, खेतों का शूट लेना है, नहर का शूट लेना है, कितने साथियों ने पहले परमिशन लेके वहाँ की शूटिंग की? नहीं, परमिशन लेके मैं भी कहता हूँ, लेकिन अगर लीगली तौर पे आओगे ना आप, जब बात लीगल पे आ जाती है तो आपने शूट करने के लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन जब शमशान में जाके जिस तरह का शूट आपने किया ना, जो पहले जो एक्चुअल में जो शमशान के शूट होते हैं ना, वो बनावटी शमशान होते हैं, वो फिल्मी शमशान होते हैं, तब जाके शूटिंग होती है। आप लोगों ने क्या करा कि एक्चुअल में ही आप लोग एक चिता की राख में जाके बैठे हो, वो वीडियो और वो सब कुछ वायरल है, और आपने मतलब जो प्रॉपरली दिखाया है ना, तो लोगों का जो शंका और जो शक है ना, वो जेन्युइन नजर आया। सर मैं आपको एक बात बताऊं कि इस मुद्दे को कितना ही बड़ा बना लो, जैसे कि ये लड़की गई, इसने अपनी रील के लिए वहाँ पे शूटिंग कर ली, तो शमशान घाट में ये तो नहीं है कि इनका गांव का शमशान घाट सुनना था। उस समय भी जो उस शमशान घाट में महाराज जी रहते हैं वो रोक सकते थे, भाई यहाँ ऐसी शूटिंग मत करो, तो उस समय इस लड़की को कुछ नहीं कहा, और ऐसा उस वीडियो में कुछ है भी नहीं कि जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचे। यह बात भी इनकी सही है भाई, केवरा ठेस नहीं पहुंच रही हो, पहुंच रही है इसीलिए तो रोड़ा मच रहा है। उस बात पर कोई रोड़ा को नहीं, रोड़ा किस बात पर है वो बताओ आपने, फिर आपने केला के किस बात पर रोड़ा है? रोड़ा मैं बताऊं किस बात पर है भाई, ये लड़की जिस समय आगे बढ़ने लगी, गरीब घर की बेटी है, तो इनके आस पड़ोस में जितनी भी औरतें हैं उनको एक बात की जलन हुई कि इसकी माँ दिहाड़ी मजदूरी करे, इसकी बाण दिहाड़ी मजदूरी करे, इसका पापा दिहाड़ी मजदूरी करे, और यह लड़की तो स्टार बन दी जान लग रही है। और दूसरी बात ये भी है मलिक साहब कि अगर यही लड़की किसी करोड़पति बाप की बेटी होती तो ये क्या बना रही है, क्या कर रही है, उन औरतों की ऐसी हिम्मत भी नहीं होती, और उन औरतों ने खुलेआम मीडिया के सामने आकर, मैं इस लड़की की बात नहीं कर रहा अब मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मुझ पर भी आरोप लगाए कि मास्टर गली में बिस्कुट फेंकता हुआ जा रहा था। ऐसे हमने भी सुना है, हम वहाँ उस गांव से आए हैं अभी जस्ट, वहाँ एक मीटिंग हो रही है आप लोगों के लिए कि भाई आगे से भविष्य में ऐसा कुछ कोई भी नहीं कर पावे, कि भाई गाँव में और बहुत सारी कुरूपियों के प्रति, ये नहीं, बहुत सारी जो सामाजिक कुरूतियाँ हैं ना उनके प्रति भी गाँव में एक मीटिंग हुई है। बिल्कुल बिल्कुल मलिक जी, एक बात मैं आपको बताऊं, पूजा पाठ करना कोई कुरूति के अंदर नहीं आता। ना, पूजा पाठ करना कुरूति के अंदर नहीं है, लेकिन जैसे ढोंग करना और लोगों को मतलब ये दिखाना कि भाई मैं कोई मंत्र जाप कर रहा हूं और मैं कोई ऐसा मतलब उनके पास कोई प्रूफ है? वीडियो रही, अभी नहीं देखी, वीडियो दिखाओ, फोटो रही, मैं तो चार दिन से देखता रहा हूँ। आप वो देखो, वो फोटो मेरे आगे क्यों नहीं आ रही, दिखाइयो भाई एक दिन, आप फोटो निकालो फटाफट। अच्छा, मामला सिर्फ यहाँ खत्म नहीं हुआ, फोटो दिखा देंगे भाई, निकाल लेंगे इतना है। मामला सिर्फ ये नहीं था, मामला एक और भी था, बताओ वो भी आप लोगों को, आपको तो पता है, मैं क्या बताऊँ, फिर भी मैं बता देता हूँ कि जिस तरीके से ये लड़की न्यूड पिक्चर बनाती है, जिस तरह से इस लड़की ने जो मूवीज गाँव में, जो गाँव वाले क्या करे आपको पता है कि माहौल खराब कर दिया, पड़ोसी दूसरे की भी लड़के हैं, पड़ोसी पड़ोसिया की भी लड़के। सर मलिक साहब आप भी यूट्यूब पे अपना चैनल पे काम कर रही हैं, लेकिन सभ्यता से नहीं, मैं वो नहीं, लेकिन 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 मर्यादा बात नहीं कर रहा, मैं जो वर्ड आपने यूज किया न्यूडिटी अश्लीलता, क्या यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन के अंदर आती है वो? नहीं आती,
तो फिर ये कैसे काम कर रही है, इसने इसको कैसे परमिशन दे दी यूट्यूब ने? तो अपना वीडियो उड़ रही है वो, दुनिया ने वायरल कर रखी है, आपने तो करी होगी वायरल, इसने करी होगी? मैं जो वायरल कर पाऊं तो मेरे तो 70 लेक्चर पड़े हैं। तो वो किसने करी है? पब्लिक ने करे, पब्लिक ने देखे होंगे। तो डाली भी दोगी किसी ने? डाली हमारा है, तो उसमें न्यूडिटी होती तो यूट्यूब हटा देता। तो वो वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा, दूसरे फोन पे दिखा देता हूँ शायद। क्या ये न्यूड नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी न्यूड नहीं। इसको मेरी मूवी में देखना, आपका देख लेना। नहीं नहीं, इसमें क्या न्यूड है? देख लेना, दो मिनट। बिल्कुल भी नहीं आएगी। ऐसे फिल्मों में बहुत सारे, ऐसी फिल्मों में बहुत सारे सॉन्ग है, गीत है, फवारों के नीचे लेडीज स्नान करती है। इस दिखा देना मेरे को न्यूड क्या होता है, इसमें दिखा देना न्यूड क्या है भाई। मैं तो शायद, एक मिनट रुक जाओ, मास्टर जी का समझ में नहीं आई होगी ये न्यूड है कि नहीं है, लेकिन आम पब्लिक तो शीशा हुआ सारी चीज़ देख लेगी। हमारे हरियाणा में ये चीज़ आज भी न्यूड थी, कल भी न्यूड है, शायद काफ़ी सालों तक। तो मलिक साहब, मैं एक सेकंड के लिए आपको मैं दिखा दूंगा, और इसका स्क्रीन शॉट में ज़्यादा दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि अपने चैनल ने मास्टर जी बाण बेबे माताएं बहनें देखती हैं और 80% देखती हैं मेरे चैनल। नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि चाहे आप चैनल ना देखती हो, ऐसी वीडियोस टीवी पे भी आती हैं, इसे छोटे कपड़ों में आती है। मतलब आप बनाते रहोगे? बिल्कुल। इनसे बात कर लो। कर लो। नमस्ते जी। नमस्ते सर। रेखा जी, एक बात बताओ, जब पूरा गांव इस चीज के खिलाफ है कि आप ये मत करो, तो शायद मतलब आप जब मास्टर जी ने जो बात कही है, ये वीडियो न्यूड नहीं है, ये गलत वीडियो नहीं है, तो आपको भी गलत नहीं लगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले तो सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या क्या पड़ा है, ये कहाँ से गलत है बताओ, हम क्या फौरन वीडियो बना रहे हैं। मतलब आपको ये गलत नहीं लगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। गलत तो वो देखने वाले हैं जो देख रहे हैं, अगर वो देखेंगे ही नहीं तो हम बनाएंगे कहाँ से? अगर लोग इससे भी ज़्यादा डिमांड करेंगे तो आप उससे भी और भी? नहीं, यूट्यूब इतनी परमिशन देता नहीं, उसकी गाइडलाइन के खिलाफ होता है ये, इससे आगे हम दिखा नहीं सकते। नहीं, मान लो यूट्यूब थोड़ी सी और ज़्यादा परमिशन दे देता जैसे मास्टर जी ने कराया है, तो आप उस हद तक चले जाते? हाँ जी, बिल्कुल। तो भाई, अब मेरे पास इनके लिए कोई सवाल नहीं है, मेरा इंटरव्यू आड़े ख़त्म है। आम पब्लिक तो ये सारी बात जो मैं कहना चाहूँ था वो पहुँच गए हैं, जो ये कहना चाहूँ वो पहुँच गए हैं। डायरेक्टली बात है, अगर ये न्यूड नहीं, इनको नहीं लगी तो इनको ना लगे, इनको समझाना मेरी तो मेरा काम है नहीं। मैंने एक इंटरव्यू करना था बस पीरा वाली ढाणी के गांव में, जो पंचायत या जो लोग इकट्ठे हो रहे इनके खिलाफ, जो रिपोर्ट दरखास्त हो रही उसके लिए, मैं अपनी तसल्ली के लिए भी आया था। मेरी तसल्ली यहाँ तक आई है, जैसे रेखा जी ने बोला और मास्टर जी ने डायरेक्टली बोला है कि भाई हम इस चीज़ को गलत नहीं मानते, और अगर सोशल मीडिया, मान लो यूट्यूब या कोई भी मीडिया, सोशल मीडिया अगर इसमें जहाँ तक ये न्यूड हुई है, अगर इससे ज़्यादा भी परमिशन देगा तो वो इससे ज़्यादा भी काम करेंगे, इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह की हज़ारों वीडियो सोशल मीडिया पर ऑलरेडी हैं सर, यही माना। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो इंटरव्यू क्या करना भाई, बात होगी खत्म भाई, इसके आगे के रह गया ये समाज जाने, ये जाने, और इनका जो गांव है डाणी पीरा वाली, कुछ कहना चाहोगे अपने गांव वालों से? आज पूरा गांव इकट्ठा हो रहा है, आपके गांव की पंचायत इकट्ठी हो रही है। नहीं, गांव वालों ने मेरे साथ बहुत गलत किया, हालांकि लेडीज को रात को गिरफ्तार नहीं किया जाता, और उन्होंने मेरे को घर से उठवाया, उन्होंने बहुत गंदा काम किया। रात को कोई लेडीज मर्डर कर दे उसको रात को गिरफ्तार नहीं करेंगे? दिन की बात देखेंगे, इतना नहीं होता, नहीं ऐसा नहीं होता। लेडीज का मतलब नाइट में गिरफ्तारी होती ही नहीं, लेडीज पुलिस गिरफ्तार कर सके किसी भी समय? नहीं कर सकती, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ये। आपने फिर गाड़ियाँ क्यों दी उस गाँव वालों को? कब दी? सोशल मीडिया पर गाड़ियाँ है ना इनकी। पूरा गांव वालों ने आज हमें एक बात बताया कि आप लोगों ने वीडियो बना के गांव वालों के डाले, हमने तो वो वीडियो नहीं देखी, पर आपने उनको, लेडीजों को भी, सबको गालियां दी आप दोनों ने। मलिक साहब, मेरी बात सुनो, पूरे गांव को गाली दोगे आप? नहीं, आप एक बात तो सुन लो, मेरी तो सुनो, मेरा पक्ष भी रखोगे ना उनके सामने? तो अपना ही रखना लग रहे हो आप, तो बोलो। उस गाँव का कोई भी बंदा अगर ये कह दे कि मास्टर इस गांव में 1.5 साल से आ जा रहा है, हमारी बहन
बेटी, चाची, ताई, बुआ, मामी, फूफी की तरफ गलत दृष्टि से उसने देखा हो, या कहीं पे शराब के नशे में हमने पड़ा देखा हो, या फिर किसी का एक रुपए का नुकसान किया हो, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया हो, तो मुझे वो हवालात में बंद करवा सकते थे। अब मैं इनके घर जा रहा हूँ, ये मेरे घर आ रही है, तो उस गांव के लोगों को ऐसी क्या तकलीफ हुई कि उन्होंने मेरे को हवालात में बंद करवा। खरबूजे ने देखकर खरबूजा रंग बदलता है। मास्टर जी, वहाँ भी बीर छोरी हैं, उनका भी बाण बेटी हैं। जब इसकी पिक्चर उन पड़ोसिया के घर में चल लेंगे ना, फलाने की छोरी ये वीडियो बनावे है कल नहीं, ये हरियाणा है मास्टर जी, लोटे में ऊँट ना फंसाओ, और फंसाओगे तो आप अगर भविष्य में अगर इस हरियाणा में जब मामला पलटेगा ना, जिम्मेवार आप होगे। मेरी बात सुन लो, YouTube का एल्गोरिथम कैसे काम करता है? वेस्टर्न मत बनाओ, वेस्टर्न पश्चिमी देश से मत बनाओ मास्टर जी, मत बनाओ, आज तक तो बनाया नहीं हरियाणा में। ये बात तो खूब फतूर मैच रहा, मेरी बात सुन लो आप, ना तो ये हरियाणा की YouTube है, YouTube का एल्गोरिथम कैसे काम करता है? आप जैसी वीडियो देखते हैं, आप जैसी भी वीडियो देखते हैं, यूट्यूब आपके पास वैसी ही वीडियो रिकमेंड करके भेजता है, चाहे आप चैनल सब्सक्राइब करो। तो आप समाज को कुछ मानते ही नहीं, आप सिर्फ यूट्यूब को मानते हो, सोशल मीडिया तरह के गोबर खाओगे आप भी खाओगे। मेरी बात सुनो, मेरे 100 से ज्यादा मोटिवेशनल वीडियो वो उस गांव के लोगों के पास क्यों नहीं पहुंच रही? वो भी डालो आप, मैंने तो फिर बस बढ़िया बात से वो डालो आप, डाल रखी है, वो क्यों नहीं पहुंच रही उन तक? आपके घर में कितने सदस्य हैं मास्टर जी? मेरे घर में तो सदस्य हम 3 भाई हैं। आपके खुद के घर में? आपके घर में? मेरे घर में तो मैं हूँ, मेरी बीवी है और एक मेरा लड़का है। आपकी वाइफ की वीडियो बनाई है अपने ऐसी? और जब आप बनाओगे ना, जब मानूंगा तब एक इंटरव्यू और करना होगा, जवाब दो। मलिक साहब मेरी बात सुनो, आप मेरी रिक्वेस्ट आपसे इस बात का जवाब दो, मेरा आखिरी क्वेश्चन है, फिर मैं आपको नमस्ते करोगे? नमस्ते। ये क्या है, एक आर्टिस्ट है? सुनो ध्यान से, बोले आपने अपनी बीबी के साथ बनाई है? घर में बनाओ ना, कोई आर्टिस्ट तैयार करो इस तरह का, कोई परिवार में, कोई अपने परिवार। आर्टिस्ट कोई तैयार नहीं करता, मैं मेरे माँ बाप ने आर्टिस्ट को नहीं बनाया कि तुम आर्टिस्ट बने, वो खुद की कला गॉड गिफ्टेड होती है। कॉमेंट इस इंटरव्यू के कॉमेंट आपने पक्के पढ़ने हैं? पढ़ लूंगा मैं, पक्के पढ़ने हैं, और उसके बाद मेरे पास फोन कर लियो, स्क्रीन पर नंबर मेंशन रहेगा, रिक्वेस्ट आपसे। बिल्कुल कर लेंगे जी, बिल्कुल कर लेंगे। हाँ जी, एक बात इनको भी कहना चाहूँगा लास्ट, देखो रेखा जी, मैं नहीं जानता आप कौन हो, आप एक गांव की बेटी हो, पूरा समाज आज मैंने वहाँ खड़ा देखा है और शर्मिंदगी महसूस कर रहा है वो समाज, मैं देख के आया हूँ, मैं उस समाज की तरफ से बोल रहा हूँ, पूरा गाँव शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, आपका परिवार क्या कहे इस मामले में? नहीं, परिवार का तो मेरे लिए पूरा सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं, पूरा। मम्मी कहती है कि भाई इस तरह कपड़े उतार के वीडियो बना? नहीं, उन पे गांव वाले ने टॉर्चर किया होगा उनका। नहीं, आपकी मम्मी ने बोला आपको आप कपड़े उतार के वीडियो बनाओ? नहीं, मेरी मम्मी ने कुछ नहीं बोला, सपोर्ट में, उन्होंने कहा तू अपना काम में कर। चलो भाई, वीडियो तुमने देख ली, इस वीडियो पर कॉमेंट करियो, पब्लिक रिव्यू चाहिए मैंने इस पे, मैंने इस वीडियो पर पब्लिक रिव्यू चाहिए, मेरी ज़िंदगी की अजीब सी वीडियो है, या मैं अड़ बैठा हूँ ना, सही मैं बताऊँ आपने, शायद मास्टर जी ने बुरा लगा इस जो ये बहन है रेखा, इसने शायद बुरा लगा, लेकिन मन तो घुटन महसूस हो रही है, इसलिए सारे भैया नरम राम भाई, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।